नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा जी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, हम लोग जो रैपिड फायर की सीरीज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी 10 वीडियो फिजिक्स, 10 वीडियो बायोलॉजी और आपके 7 वीडियोस जो है ऑलरेडी केमिस्ट्री के अपलोडेड है। बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है, तो ज़रूर आप देख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पहला डिस्कस कर लेते हैं मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो है मास नंबर होता है वो क्या होता है? वो होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब प्रोटोन और न्यूट्रॉन को आप अगर एक साथ जो ऐड कर दोगे तो वो न्यूक्लियस हो जाएगा मास नंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज़रूर याद रखना। द इनएक्सपेंसिव एंड कॉमनली यूज वैरायटी ऑफ ग्लास इज कॉल्ड सोडा ग्लास। इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज, क्यों इसको सोडा ग्लास कहा जाता है? बिकॉज इज मेड यूजिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट यूज़ करके इसको बनाया जाता है। द गैस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। वनस्पति बनाने में क्या जो है गैस यूज होता है? वो हाइड्रोजन है। द ग्राफाइट रॉड्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो ग्राफाइट रॉड्स है वो करता है कन्वर्ट कर देता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन में। जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है थर्मल न्यूट्रॉन में। फर्स्ट मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है यूज बाई मैन, कॉपर था। द हाइड्रोनियम आयन जो है दैट इज H3O+। द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, सबसे इलेक्ट्रो जो होगा दैट इज CS। द मेथड दैट कैन नॉट बी यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो नहीं कर सकते हो, मतलब बॉइलिंग करने से परमानेंट हार्डनेस जो है नहीं जाता है, कैन नॉट बी यूज बोला है। जोन रिफाइनिंग इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन जी। मेटल आर गुड कंडक्टर बिकॉज, मेटल गुड कंडक्टर होता है क्यों? दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। टीयर गैस में क्या रहता है? टीयर गैस क्या होता है? कार्बोनिल क्लोराइड। अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज टू मेक पैरासूट बनाने के लिए जो यूज होता है दैट इज विस्कोस। ड्रिंकिंग सोडा एसिडिक है। कैथोड ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी मेड ऑफ लेड से ही बना होता है। हीट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ ग्लास क्या है? दैट इज फ्लिंट ग्लास। पैस्टुराइजेशन ऑफ मिल्क मतलब क्या होता है? हीट करना मिल्क को अबाउट 62 डिग्री सेल्सियस में 20 मिनट तक, ठीक है। टाइप मेटल यूज इन प्रिंटिंग प्रेस इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड एंटीमोनी। सोर टेस्ट ऑफ कोका कोला क्यों होता है? फॉस्फोरिक एसिड रहता है उसमें, इसीलिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी कितना बार ये क्वेश्चन आया था मुझे, फर्स्ट इंटरव्यू में भी ये पूछा गया था। दैट इज मिग गैस, मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। आयोडाइज सॉल्ट इज बेनिफिशियल फॉर थायरॉयड फंक्शन। आयोडाइज सॉल्ट किस लिए अच्छा है? दैट इज थायरॉयड फंक्शन। द एसिड रेन डिस्ट्रॉय वेजिटेशन बिकॉज, उसमें क्या रहता है एसिड रेन में? सल्फरिक एसिड रहता है। डायमंड आर ग्लिटरिंग एंड अट्रैक्टिव बिकॉज लाइट इंसिडेंट ऑन देम अंडरगो मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसीलिए वो ग्लिटर करता है। द सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ विनोजोइक एसिड। द एसिड यूज इन लेड स्टोरेज में कौन सा एसिड यूज होता है? दैट इज सल्फ्रिक एसिड यूज होता है। एलम स्टॉप ब्लीडिंग इन माइनर कट्स, जैसे माइनर कट थोड़ा बहुत जो है कट अगर आपका हो जाए कट जाए तो एलम हम लोग देते हैं, वो कोगुलेशन करने की जो है सुविधा कर देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मेड बाय पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ गिप्सम सॉल्ट। वाटर कैन बी सेपरेट फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सचर बाय, किससे हम लोग वाटर और अल्कोहल को अलग कर सकते हैं? दैट इज डिस्टिलेशन। हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन एटमोसफेयर बिकॉज, हाइड्रोजन क्यों नहीं मिलता है एटमोसफेयर में? दैट इज बिकॉज इट इज लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्का गैस है। अ सब्सटेंस व्हिच इज रेडिली फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो फिलिक एसिड। व्हेन फॉर्मल डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर हीट किया जाए एक ही साथ, हम लोग क्या मिलता है? दैट इज मिथाइल अल्कोहल। व्हेन H2SO4 इज एडेड टू ड्राई KNO3 बाउंड फ्यूम्स आर रिवॉल्व निकलता है, द फ्यूम्स आर ड्यू टू NO2। द लस्टर ऑफ मेटल इज बिकॉज, क्यों होता है लस्टर मेटल्स में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिफ्लेक्ट कर जाता है लाइट। द मेजर हार्मफुल गैस इमिटेड बाई ऑटोमोबाइल जो है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखते ही मार देना। नेक्स्ट देख लेते हैं। आइसोटॉप ऑफ द सेम एलिमेंट हैव, अगर सेम एलिमेंट का आइटम है वो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा ही। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एवरी एलिमेंट विल ऑलवेज कंटेन प्रोटोन रहेगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट मोस्टली कॉरस्पॉन्ड टू द आइसोटॉप विच हैज़ हाई ग्रेटर रिलेटिव एबंडेंस। आइसोटॉप्स डिफर इन प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मास। अंडर व्हाट कंडीशन द गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से, कैसे वो जो है डिविएट कर सकता है? लो टेम्परेचर अगर एंड हाई प्रेशर हो तो। इंट्रोडक्शन ऑफ केल्विन स्केल इन थर्मोमेट्री अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के लिए जो है ये इंट्रोडक्शन हुआ है।
0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 0.5 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एट एसटीपी हैव सेम मास एंड एटॉम रहेगा। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज डबल, इट्स डेंसिटी बिकम्स डबल हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो जीरो रहेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट गैस इज डिफरेंट एंड डिपेंड अपॉन, क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट गैस का डिफरेंट होता है और ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर, मॉलिक्यूल के शेप के ऊपर एंड इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस के ऊपर। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर क्या है, दैट इज गैस। व्हाट इज एबंडेंट फॉर्म मैटर ऑफ मैटर ऑन अर्थ, एबंडेंट फॉर्म क्या है, दैट इज सॉलिड। व्हिच स्टेट ऑफ मैटर हैज द लोएस्ट डेंसिटी, सबसे जो है लोएस्ट डेंसिटी होता है गैस का। व्हाट डू यू कॉल टू सर्टेन एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा, अगर एक्सपेंशन करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोल थम्पसन इफेक्ट कहा जाता है उसको। वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 546.5 केल्विन अंडर टू एटम प्रेशर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ, कितना होगा ये कैलकुलेशन होगा देख लेना। द सॉलिड पार्टिकल्स ओनली पासिस वाइब्रेशनल मोशन इफ वन बाई वी इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रेशर ऑन वाई एक्सिस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वट शुड अपियर, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन। द पार्शियल प्रेशर एक्सटार्टेड बाई द वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस और सेंट इन एयर ड्यू टू डिफ्यूशन के लिए होता है। द काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैस वॉज पुट फॉरवर्ड बाई वर्नौली इन 1738। द हाइस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिट अ लिक्विड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो, वॉट विल बी द प्रेशर ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस मेंटेन एट 300 केल्विन एंड 250 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हो जाएगा 98.8 atm। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ इफ्यूशन एंड डिफ्यूशन आर बेस्ट अंडरस्टैंड बाई ग्राम्स लॉ। हु मेड वॉल्यूम एंड प्रेशर करेक्शन टू एक्सप्लेन डिविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वैंडरवल। द नॉन आइडियल बिहेवियर रिजल्ट चीफली फ्रॉम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एंड फाइनाइट वॉल्यूम। द गैसेज बिकम नॉन आइडियल लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लिंड्स मेथड इज एम्प्लॉयड बाई लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। द रिलेटिव एट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन इन केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बाई वर्ल्ड ऑफ पी ऑर्बिटल्स, दैट इज पी आई एंड सिग्मा। द ऑक्टेट रूल डज नॉट ऑलवेज होल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, दैट इज पी। शेल्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड इज कॉन्स्टेंट। इन ओ टू ईच ऑक्सीजन एटम इज हाइब्रिडाइज, दैट इज एस पी स्क्वायर। और मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड पॉलिस एक्सपेंशन प्रिंसिपल के लिए। ठीक है गाइस, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस छोड़ के बहुत ही बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखो आपके लिए बहुत काम में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। टिल देन गुड।